लो मैं छोड़ देता हूँ और वापस जाता हूँ, नहीं तो छोड़ दिया। आत्मा को लेबल भर करके अपने कब्जा में लिए और चल देते हैं धर्मराज जी, उसके पीछे पीछे सावित्री। और जब सावित्री दूर चली गई, जमराज मुड़कर देखते, बेटी अरे सवे कोई मेरे लोग नहीं जाते वापस होते। फिर चलती रही, जमराज जी आगे बढ़े, कहा बेटी क्या तुम्हारे मन में भावना किस प्रकार की अगर उत्पन्न हो रही है बोलो। कहा पिताजी गुरुवर मेरे मन की भावना है, मैं कुछ मांग कर सकती हूँ। कहा बेशक मांग करो। कहा मेरे सास ससुर को आंख नहीं है, कहा दास को आंख हो जाएगा। फिर कुछ दूर गए, बताए अरे और कुछ भावना है बोलो। कहा धन दौलत चला गया है, कुछ नहीं है। तथा धन दौलत वापस कर दिया। और कुछ दूर गए, कहा क्या तुम्हारी अभिलाषा और का धन दौलत को चलाने वाले कोई वंश में नहीं है। कहा जुलम की बात है, जाओ एक संतान होगी। अब कुछ दूर आगे बढ़े तो सावित्री कहते हैं, जमराज जी अरे बाबा गुरुवर मेरे तरफ झांकिए, आपने एक संतान का ऑर्डर दिया, कहां से मैं ला सकती है, जबकि मैं आपके सामने ये 12 महीने की शादी कोई शादी है, मैंने उसको अपने पति बनाया, संतान कहां से आएगा। जमराज जी को हरा दिए, वापस कर लिए उसकी आत्मा को, भजन किसे कहा जाएगा। ये भजन ये क्या है, जो जमराज को टाल दे अपना हम मरने वाले आ जाए, अगर 2 महीने हम टाल लिए तो हमने भजन किया। किसी को धन मिला हुआ है ऐसे आदेश नहीं करना चाहिए और सभी संतों के बातों पर ध्यान देना चाहिए। ये देखिए क्या बता रहे हैं, आ
भजन वो है जो जमराज के हाथ से क्या पति छुड़ा करके ले आए, घर सास ससुर राजा थे पुनः राजा बनाए, और अपने गए पति को जमराज के हाथ से छुड़ा कर ले आए और पवित्र संतान हुआ। और वही सतवान और वही सावित्री भगवान कृष्ण के भजन में तल्लीन हुए, भगवान राम के भजन में तल्लीन हुई और सदा सदा के लिए उसके दरबार में रिद्धि सिद्धि लक्ष्मी सरस्वती वरुण कुबेर ब्रह्मा विष्णु महेश सभा करके वास के श्रद्धालु भजन गाने के। भैया भजन गाने से क्या होगा, कर्म जिसका पवित्र हो जमराज को ठकरा सकता है, जमराज को वापस कर सकता, और अपने अनमोल बाबू के जैसे अपने दरबार में गंगा को बुलाकर और भगीरथ के समान उद्धार करवा सकता है। हम उसे पुत्र कहते हैं, उसे बेटा कहते हैं। अगर ऐसा नहीं करता फेंक दीजिए, नाग का बेटा कहा जाएगा जा। और वही पुत्र कहा जाएगा, नहीं तो मूत्र का मूत्र कहा जाएगा। मेरा वचन तो कटुवाणी है पर आप कोई दुख नहीं मारेंगे, इसलिए श्रद्धालु वही भजन है। देखा जाए कहते कौन बैरलिया बड़ी साधन, yeah।
संसार में कुबरी कहल गई है। आज देखियो ना हमरा यहाँ के कुकर्म जे छे कुबरी के तरह कहे छे यो काम छे क्रोध छे लोभ छे मोह छे ईर्ष्या छे द्वेष छे अच्छा अने चोरी छे व्यभिचार छे बटमार छे झूठ छे प्रपंच छे ईर्ष्या छे द्वेष ये साधु या कुबरी घर ये हमरा हरि जी से अलग केने हमरा गुरु लग जा।